भूपेंद्र, एक अहम सवाल है, एक अहम सवाल के साथ आ रही हूं। आपने हिमाचल में देखा कि एक एक टिकट के लिए बीजेपी के कई कई उम्मीदवार सामने आए और वो सबको टिकट नहीं दे पाए, वो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, एक मुसीबत वो खड़ी हो गई है, उन्हीं के कैंडिडेट के लिए चैलेंज है। लेकिन गुजरात में एकदम तस्वीर उलट है, कल बैठक हुई और लिस्ट आउट होने से पहले ही जो दिग्गज हैं खुद कह रहे हैं कि इस बार हम उम्मीदवारी नहीं करना चाहते, इस बार चुनाव नहीं लड़ना चाहते। तो ऐसा क्या है गुजरात में कि खुद ही अपनी अनाउंसमेंट कर रहे हैं, मैदान से हट रहे हैं कैंडिडेट? आप वहां पर हैं, अच्छे से बता पाएंगे। देखिए विपनेश, एक साल पहले जब पूरा का पूरा मंत्रिमंडल बदला गया था तब भी उम्मीद की जा रही थी कि शायद कहीं से कोई विरोध का सुर सुनाई दे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं हुआ। हालांकि जब आंदोलन चले तब बैकफुट पर सपोर्ट की कुछ नेताओं की जरूर खबरें आई, लेकिन बाद में पता चला कि वो भी तमाम चीजें जो है वो शांत हो गई। कल जब इस तरह की चीजें सामने आई तो गुजरात को जानने वाले लोगों को बहुत ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि ये उम्मीद के मुताबिक ही था कि ये स्वयंभू तौर पर इनकी तरफ से ये आ जाएगा कि हम लोग चुनाव नहीं लड़ रहे। और ये बीजेपी का एक तरीका होता है जिसमें वो पहले से ही जिनका नाम नहीं होता है उन्हें बता दिया जाता है, उनके साथ में एक संवाद के जरिए या जैसे भी हो एक तालमेल बिठा लिया जाता है कि अगर उनकी टिकटें नहीं कटती हैं तो उन्हें भविष्य में क्या रोल दिया जाएगा या फिर किस तरह से उनका उपयोग किया जाएगा पार्टी में। कल भी इसी तरह की तस्वीर देखने को मिली, जब सबसे पहले विजय रूपाणी जो है उनका बयान आया कि वो चुनाव में अपने आप को नहीं रेस से बाहर देखना चाहते हैं। उसके बाद नितिन पटेल का खत आया, उन्होंने लोगों से बातचीत भी की मीडिया से। इसके बाद प्रदीप सिंह जाडेजा, एक एक करके तमाम चीजें, हालांकि ये उम्मीद की जा रही थी कि ये तमाम नाम जो है वो इस बार की रेस में नहीं होंगे। विजय रूपाणी को जब पंजाब का प्रभारी बनाया गया तभी उम्मीद कर ली गई थी कि वो इस बार के विधानसभा चुनाव में नहीं हो सकते हैं। नितिन पटेल जिस तरह से पिछली बार नाराज हुए थे सिर्फ अपने मंत्रालय को लेकर, वो उन्होंने 3 दिन तक वो विधानसभा नहीं गए थे और के बाद काफी मान मनोबल के बाद उन्होंने तमाम चीजें स्वीकारी थी। माना जा रहा था कि उनका भी टिकट इस बार कटेगा। प्रदीप सिंह जाडेजा, उनके ऊपर भी भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा के ऊपर ऑलरेडी केस चल रहा था, उनके जीतने को लेकर सवाल उठाए गए थे। ये तमाम चीजें उम्मीद के मुताबिक थी, लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जो रूपाणी मंत्रिमंडल में शामिल थे जिनको ऐसा था कि शायद उनका टिकट हो सकता है, उनमें से कुछ बाहुबली भी थे, लेकिन तमाम लोगों के टिकट कट गए। हमने कल नितिन पटेल से यह भी पूछा कि चैप्टर 1 जो है वो पूरे के पूरे मंत्रिमंडल को बदला जाना था और चैप्टर 2 जो है वो आप लोगों की टिकट कट रही है, ये कैसे है मतलब इस तरह से? तो एक, हालांकि पहले से ही चीजें तय थी, पहले से ही संवाद हो चुका था, पहले से ही निर्देश आ चुके थे, तो जाहिर तौर पर कहना यही है कि हम पार्टी के साथ में हैं, पार्टी जो रोल देगी वो करेंगे, लेकिन देखना होगा कि जब चुनाव में ऐसा ही लग रहा था, कल हमने ये कह दिया था कि बड़े नेता आएंगे और खुद ही बोलेंगे कि हमें उम्मीदवारी इस बार नहीं करनी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।